आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल विद फॉर्मूला। और आज का चैप्टर है हमारा वी लुकअप या लुकअप मेथड। तो वी लुकअप एंड लुकअप मेथड आज हम पढ़ेंगे और हमारे साथ जूम ऐप पे करीब 3-4 लोग हैं और सबको मैंने रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है। आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले, प्रसून जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले और मैंने भी रिकॉर्डिंग कर ली है और आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो कर लीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वी लुकअप के बारे में। अब वी लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है, पहली चीज को जानिए। वी लुकअप या लुकअप मेथड इसको बोल सकते हैं। लुकअप मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे आप अपने जब स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे तो अपना रिजल्ट देखने के लिए क्या करते थे, आप यूनिवर्सिटी स्कूल की साइट पे जाते थे, अपना रोल नंबर देता थे और आप सबमिट करते थे और आपका रिजल्ट आपको दिख जाता। कैसे वो, क्योंकि तो आपके स्कूल यूनिवर्सिटी में तो लाखों लोग, स्कूल में तो हजारों, यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट होते थे, उसमें से आपका कैसे ढूंढ के देता था। यही लुकअप मेथड था कि एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी पे एक बड़े डेटाबेस में से उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करके देना, इट्स लुकअप मेथड। और इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है। बैंक में आपके अकाउंट नंबर से उसका पूरा हिस्ट्री निकल जाती है, आपका एक कंपनी एम्प्लॉय आईडी से आपका पूरा डिटेल निकाल लेता है, तो हर जगह पे इसका यूज होता है। यूनिक आईडी मिला, जैसे आधार नंबर है, आधार नंबर से आपका पूरा हिस्ट्री बायोमेट्रिक डेटा मिल जाता है। ये सारे लुकअप मेथड के जरिए होते हैं। तो यहां पे देखिए लुकअप मेथड में कई सारे पार्ट है, तो आज हम वी लुकअप के पार्ट को करेंगे। तो आपके सामने एक डेटा है जिसमें मेरे पास कुछ डेटाबेस है और इसमें हमारे पास कुछ नेम्स है। A100 डेटा है और मेरे बॉस ने बोला कि मुझे कुछ इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन दे दो जिसका आईडी जो है 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, 40 है एंड 61 है। अब मैं लुकअप मेथड को भूल जाता हूँ, वी लुकअप को भूल जाता हूँ, तो अगर आपको मैनुअल करना होगा तो क्या करेंगे, आप उसको कॉपी करेंगे, एक्सेल शीट पे फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे और फिर इस डेटा को कॉपी करेंगे एंड फिर यहां पे पेस्ट करेंगे। और एक प्रोसीजर आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको 3, 4, 5 है तो चलिए आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आपको 10 या 15 मिनट लगेगा, आप कॉपी कर लीजिएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपका ये बड़ा डेटा होगा, जैसे 500 का डेटा होगा, 1000 का डेटा होगा, लाख का डेटा होगा, वहां पे फिर करना बहुत ज्यादा टेडियस जॉब हो जाएगा। दूसरा ऑटोमेशन, क्योंकि डेट में आपका नंबर चेंज हुआ तो फिर से आपको फाइंड करके कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा। तो उस सारे चीजों का हल है लुकअप मेथड। तो डेटा मेरा जो डेटा है वो वर्टिकल है, वर्टिकल डेटा है, इसलिए हम वी लुकअप लगाएंगे। तो वी वर्टिकल है और दूसरा चीज क्या है कि हमारे डेटा में मेरा यूनिक आईडी सबसे स्टार्टिंग में है। ये जरूरी है, याद रखिएगा, सबसे स्टार्टिंग में होगा तभी वी लुकअप वर्क करेगा, क्योंकि वी लुकअप पहले कॉलम में सर्च करता है। तो मैंने यहां पे लगाया वी लुकअप, वी लुकअप में हमने इसको सिलेक्ट किया लुकअप मेथड, लुकअप वैल्यू, फिर टेबल, किस टेबल में। अब मैं किसको सर्च कर रहा हूँ, आईडी को। तो आप अपने डेटा में जाएंगे और आईडी से ही सिलेक्शन को स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा पहले ही कॉलम में वो आपका नंबर को सर्च करेगा। सो ये चीज होना चाहिए कि आपकी सिलेक्शन उसी कॉलम से स्टार्ट होनी चाहिए जो आपका लुकअप वैल्यू है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसने 5 को ढूंढा और 5 को ढूंढने के बाद इसको 10 कॉलम मिल गया। बट स्पेशल रूल कहती है कि किसी एक कॉलम का डेटा ही एक कॉलम में शो करेगा, तो एक कॉलम का डेटा ही दूसरे कॉलम में शो करेगा। अब यहां पर एक दिक्कत होगी, तो मुझे यहां बताना पड़ेगा कौन सा कॉलम। तो हमने यहां लिखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम चाहिए और फिर यहाँ पे फॉल्स देंगे। फॉल्स क्यों, एग्जैक्ट मैच, या जीरो भी दे सकते हैं क्योंकि एक्सेल में 1 = true and 0 = false होता है। तो एक हमारा नेम आ गया,
उसके बाद डेट के लिए भी मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाऊंगा। तो जितने कॉलर उतने वीलुकअप आपको लगाने पड़ेंगे। वीलुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए और इस बार क्या होगा, थ्री होगा क्योंकि वन टू थ्री डेट चाहिए। तो तीसरे नंबर पर कॉलम पे डेट है, तो डेट दिया और यहाँ पे मैं जीरो दे देता हूँ फॉर द एग्जैक्ट मैच। फिर वापस यहाँ पे मैंने वीलुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा में गए और इस बार क्या है, सैलरी है वन टू थ्री फोर दे दी यहाँ पे कॉमा फोर कॉमा जीरो। फिर आगे जी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, टेबल में गए कॉमा फाइव कॉमा जीरो। तो ये थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि अभी आपके पास रो 10 कॉलन है तो 10 वी लुकअप लगा लो, लेकिन ज्यादा हुआ तो 10 वी लुकअप लगा के आपको नीचे तक हजारों रैक कर दीजिए, सबका डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। ये चेंज होता है तो अपने आपको चेंज भी कर लेगा। तो वी लुकअप इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन दिक्कत यहां पे आती है कब, जब हमें कॉलर हमारे पास ज्यादा होता है तो बोले हम ड्रैग कर देते हैं। क्या मैं वीलुकअप लगाया और यहाँ पे ड्रैग, अब ड्रैग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ गई, देखिए ड्रैग किया हमने तो प्रॉब्लम क्या आया कि A3 नहीं B3 और यहाँ B से चल गया, रिजल्ट गलत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम फ्रीज करेंगे, हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे ताकि A जो है मेरा B ना हो जाए और फिर इसको साइन दें और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर। अब इसमें मुझे क्या करना है, जस्ट नंबर चेंज करना है, वीलुकअप पे लगाना है, थोड़ी सी आसान हो गई, इसमें जस्ट मुझे नंबर को चेंज करना है, नंबर चेंज करना। अब यहां भी एक दिक्कत आ गई क्योंकि नंबर भी चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर में एक रो ऐड करेंगे और जो भी कॉलम है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता हूँ। फिर वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ और डेटा में जाता हूँ और जहां पे कॉलम में 2 3 लिखते हैं ना, 2 लिखा ना, इस 2 के जगह पे मैं अपना इस B2 का रेफरेंस देते हैं। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले मैं फ्रीज करूंगा, यहां डॉलर लगाऊंगा और आगे ड्रैग करूंगा। आगे ड्रैग करने से पहले जो B1 है हमारा, इसका 1 आप फ्रीज कीजिए, सिर्फ 1 फ्रीज कीजिए और हमने राइट क्लिक किया और आया। ओके ये हमारा हो गया, तो बेनिफिट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके लिए मुझे कॉलम एक बार में हो गया, बट मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर रखना पड़ा ना। बट हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि कल मैंने बताया था कॉलम का है, क्योंकि किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल का कॉलम निकालता है। इसमें देखिए कॉलम फॉर्मूला ने डेटा B2 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 निकाल के एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, ये तो चाहिए हमें B2 ही तो चाहिए, बट 2 ही तो चाहिए। तो हम वीलुकअप लगाते समय, जब हम वीलुकअप लगाएंगे तो हम यहां पे डेटा रेंज सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम कॉलन का फॉर्मूला ऐड कर देते हैं। कॉलन फॉर्मूले में इसको सिलेक्ट कर देते कॉमा जीरो, तो रिजल्ट हमारे सामने है। राइट, अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, डॉलर साइन लगाते हैं। B2 को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन इसके लिए आपका डेटा स्टार्टिंग मतलब कॉलम ए से होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको करने के लिए हम तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से नहीं हुआ, दिक्कत हुआ, तो हमारे पास एक और है या फिर एक तरीका और ही है, क्योंकि मुझे इसके लिए अलग अलग वी लुकअप लगा के ड्रैग करने। अब मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको एक ही वी लुकअप लगाना है और आपके पूरा डेटा लेके आना। तो मैंने क्या किया कि पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ध्यान रखिएगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फिर यहां पे मैंने वी लुकअप लगाया। ध्यान रखिएगा क्या करना है, वी लुकअप लगाया दो तरीके इसके, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, डेटा में चले गए कॉमा, और यहां पे कॉलन का फॉर्मूला दे दिया कॉमा जीरो, और हम फ्रीजिंग वाला पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग वाला पॉइंट हम यहां पे ला। ओके, और फिर मैं नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा, आ गया सर एक ही बार में, तो कॉपी पेस्ट, उसने कॉपी पेस्ट ही किया, और आपका ये जो रो कॉलम नंबर कॉलम से ले लिया, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि आपका कॉलम मान लीजिए कि नेम तीसरे नंबर पे होगा, ओवर टाइम दूसरे नंबर पे होगा, फिर ए मेथड वर्क नहीं कर। तो अब मुझे मेरा मेरा जो हेडिंग का सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है और मुझे एक ही वी लुकअप से पूरा डेटा, एक ही वी लुकअप लगाना है और पूरा डेटा लिखना है, और कोई ड्रैग श्रैग फ्रीज व्रीज नहीं करना चाहता है, तो मैं वी लुकअप में एरे का इस्तेमाल करूंगा। हमने वी लुकअप लिया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा को सिलेक्ट किया, और जितने भी कॉलम नंबर है उसके सीक्वेंस के हिसाब से हम यहाँ दे देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and comma 0। अब यहां पे मैंने सीक्वेंस नहीं डाला है, आप अपने कॉलम के सीक्वेंस से डाल, कि अगर आपका रो नेम अगर तीसरे नंबर पे है तो 3, 2 लिखा है। अब यहां पे एंटर मारने के जगह, यहां पे एंटर मारने के जगह है कि हम डालेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि एरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर से परफॉर्म कर, हो गया। तो क्या मेथड है, देखिए क्या है कि आप यहां पे 1, 2, 3, 4 ऐसे एक एक करके भी लिख सकते हो, या फिर पूरे को सिलेक्ट करें और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 लिख दे और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, ये इक्वली सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सेम मेथड मैंने यहां पे लगाया हुआ है कि हमने सारे कॉलम नंबर कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हो गया। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूं, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, डेटा में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कॉमा 0 और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, लेकिन हमने सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको सिलेक्ट कर ले, फिर F2 प्रेस करके अपने फॉर्मूला को एक्टिवेट कर दें, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्लियर है सबको? प्रसून जी, विजय जी, सबको क्लियर है? विशाल जी, क्लियर लेकिन मेरा हेडिंग, मेरा पास क्या आइडिया रखता हूं, अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत यह है कि मेरा हेडिंग पूरा सीक्वेंस नहीं है, अनसीक्वेंस है और ये चेंज भी होते रहता है। अभी फुल नेम है, कल के रेट पे यहाँ पे सैलरी हो सकता है,
डिपार्टमेंट का जगह पे नेम हो सकता है, ये कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, अपने आप को कभी भी चेंज कर। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ऐसा कोई चीज तरीका हो जो नेम को जाके यहाँ पे सर्च करे, फिर नेम इस कॉलम में है, फिर इसका डेटा उठा। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है जो कि मैंने कल बताया था। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू, जो कि मैंने फुल नेम को ले लिया B15 को, रो एंड कॉलम, मैंने कॉलम में सिलेक्ट किया एंड कॉमा हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं, इसका कॉलम नंबर 2 दे दिया और VLOOKUP मुझे 2 ही चाहिए ना। कल के डेट में एक अगर सैलरी हो जाता है तो अपना कॉलम नंबर तुरंत चेंज कर देगा। तो अगर मुझे 61 का डेटा चाहिए तो मैं VLOOKUP लगाऊंगा और VLOOKUP पे लुकअप वैल्यू और डेटा को सिलेक्ट करता हूं और यहां जहां पे कॉलम नंबर चाहिए वहां पे मैं मैच को लिंक कर दूंगा। तो कल के डेट में मान लीजिए फिर से वापस नेम आ गया तो देखिए कॉलम नंबर चेंज होगा, VLOOKUP अपना रिजल्ट चेंज कर देगा, VLOOKUP आपका रिजल्ट चेंज कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसके साथ अटैच हो कि अलग नहीं रहना चाहिए, तो मैंने मैच फॉर्मूले को कॉपी किया और वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड जो कि मैंने पहली फॉर्मूले की क्लास में बताया था उस मेथड को यहाँ आजमाएंगे, पेज कर देंगे। लेकिन फिर भी ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रीजिंग पॉइंट छूटे हुए हैं, जैसे कि हमें ए को फ्रीज करना है डॉलर लगा के, इसको फ्रीज करना है, उसके बाद बी 15 का 15 फ्रीज करना है। और फिर इसको ड्रैग करना है, क्लियर है? ये हमारा VLOOKUP की पहली क्लास है। देखिए VLOOKUP टोटल आपको 4 क्लासेस मिलेगी, ठीक है ना। VLOOKUP को थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए, जैसे आपने पिवट को धीरे धीरे पढ़ा था। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सके। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मेरा ये दीपक पाठक जी है, विजय पाटिल जी है, विशाल कुमार है, ठीक है, इसे भेजिए ताकि मुझे पता चलेगा आपने VLOOKUP कितना समझा है। फिर अगली क्लासेस में मैं VLOOKUP में मैच, इंडेक्स, ऑफसेट, एच लुकअप जैसे जो टॉपिक्स है उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। लुकअप में थर्ड का टॉपिक आपका टोटल 4 क्लासेस में चलेगा, राइट? कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।